राधे राधे भक्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कृति में। मैं आशा करती हूँ आप लोग इस कोरोना काल में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जितिया पर्व के बारे में। जितिया पर्व कब है, दिनांक कब है और इसको कैसे मनाएं? तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति, उनके दीर्घायु होने तथा सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक व्रत दीपिका पुत्रिका या जितिया व्रत भी है। हिंदी पंचांग के अनुसार जितिया व्रत हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखकर भगवान की पूजा और प्रार्थना करती है। जीविका पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। जितिया व्रत पर भी छठ पूजा की तरह नहाए खाए की परंपरा होती है। यह व्रत प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं जीविका पुत्रिका या जितिया पर्व कब है। जीविका पुत्रिका व्रत 29 सितंबर 2021 अष्टमी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर को शाम 6:16 से आरंभ, अष्टमी तिथि समाप्ति 29 सितंबर की रात 8:29 से है। तो चलिए भक्तों, आप जानते हैं नहाय खाए की विधि। जितिया व्रत के पहले यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो व्रत, तो भक्तों अब जानते हैं जीविका पुत्रिका व्रत पूजन विधि। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रार्थना की जाती है। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। नवमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। जीविका पुत्रिका व्रत की कई कथाएं जुड़ी है। इसमें से एक कथा महाभारत से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा की गर्भ में पल रहे संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे गर्भ में ही दोबारा जीवन दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीविका पुत्रिका रखा गया। बाद में यह राजा परीक्षित के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, आपने जाना जीविका पुत्रिका के पूजन विधि कब है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम।